सीधे आपको चल जाना है, आप दिख जाएगा यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक गेट है और प्रवेश नंबर 1 है। और अब में जो है काफी अंतर हो चुका है। वही लाल का पेंट यहाँ पर जो है रखा है। विक्रमा लैंड को भी यहाँ पर देखिए बनाया गया है, जो कि इधर देखिए तो काफी सीट और चेयर जो है लगा हुआ है। मुझे वीडियो बनाने में सहयोग किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो अभी हम आए हुए हैं बिहार पटना का तारामंडल, तो इसका टूर करने वाले हैं। और अभी आम जनता के लिए जो है ये तारामंडल नहीं खुला है, लेकिन 10 अप्रैल से खुल जाएगा। तो आप लोग जो है 10 अप्रैल से आकर तारामंडल घूम सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है इस तारामंडल में। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए हैं तारामंडल, और तारामंडल का सारा अपडेट अब दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है तारामंडल का बिल्डिंग। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है इस तारामंडल में। देखिए ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मेन गेट है। जस्ट मेन गेट से आप जब अंदर एंट्री लेंगे तो आपको प्रॉपर सगर लाइट आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट सामने देखिए बिहार काउंसिलिंग ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, और इधर एक है बिहार सुंदर संवेदन उपयोग केंद्र, इसी का आपको अंदर एंट्री लेना है। इस वाले गेट से सीधे आपको चल जाना है, आप तारामंडल के अंदर एंट्री ले लेंगे। बैक साइड में जो है गेट नंबर 2 के पास जो है एक पार्क टाइप का बनाया गया, ताकि लोग जो है उधर से घूम कर आए तीस साइड बैठ सके। तो अभी जो है काम कंस्ट्रक्शन का भी जो है काम चल ही रहा है, और ये आपका मेन गेट रहने वाला, जस्ट सीधे आपका मेन गेट रहेगा। ये देखिए तारामंडल का कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग। देखिए ये रहेगा टिकट काउंटर, और ये कार्यालय है। टिकट काउंटर यहाँ है, यहाँ से आप टिकट लेंगे, उसके बाद जस्ट आपको इस साइड में आपको गेट नंबर 2 दिख जाएगा, यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक गेट है और प्रवेश नंबर 1 है, जो सेंसर के माध्यम से गेट जो ऑटोमेटिक ओपन होता है। वहाँ पर आपका लगेज चेक होगा, और वहाँ पर काउंटर बनाया जाएगा लगेज रखने के लिए, जो भी आप सामान लेकर आते हैं उसको आप रख सकते हैं। और ऊपर की भी अगर देखें तो काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है, इस साइड से आप एंट्री ले सकते हैं। और देखिए अभी फ़िलहाल जो है तारामंडल में एंट्री ले लिए हैं, और ये रहा एंट्री मेन सीढ़ी कह सकते हैं, इधर से ही एंट्री मिलता है, जैसे कि आप पीछे अभी आपको दिख रहा होगा किस तरह का व्यू है। उसके बाद अंदर जब आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, और साथ ही साथ जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो सारे चीज़ें जो हैं आपको बारीकी से दिखाया जाएगा। और अभी हम चलते हैं, देखते हैं बाहर का क्या नज़ारे है और अंदर के क्या नज़ारे हैं, सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। है प्रदर्शनीय क्षेत्र जहाँ पे आप इस तरह से आप जो न्यू वाला लुक आया है, और यहाँ देखिए स्पेस ओपन एंटरटेनमेंट गैलरी दिया हुआ है, और साथ ही साथ आप इधर आकर आप देखेंगे तो इधर सारी चीज़ आपको घूमने को मिल जाएगा। पहले और अब में जो है काफ़ी अंतर हो चुका है। तो चलिए इधर देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है इस न्यू ऑडिटोरियम में। ये जो आपको दिख रहा होगा ये है स्टार फील्ड प्रोडक्ट, जो कि यहाँ प्रोजेक्ट जो है स्टार फील्ड का बनाया गया है। साथ ही साथ अगर इस साइड भी देखें तो प्रोजेक्ट 300 है, प्रोजेक्ट 150 है, टाइप प्रोजेक्ट है ये। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो इस साइड आपको GM2 स्टार फील्ड प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर देखेंगे तो इनविन कोल्ड प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इस साइड अगर जाएँ तो यहाँ देखिए आकाश गंगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सामने आपको दिख रहा होगा। और इधर भी देखिए तो स्टार गैलरी ऑफ पूरा जो है पहले का लुक में अभी का लुक में काफ़ी जो है बेहतरीन बनाया गया है, और सारे चीज़ों को ध्यान से रखा गया। याद ये जो आपको दिख रहा होगा गुरुत्वाकर्षण लेंस का जो दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण दिया गया है। इधर इधर की बात किया जाए तो इधर देखिए सनसेट के बारे में दिया गया है, जो कि तारे क्या है, तारे के बारे में सारा विस्तार रूप से बताया गया है। ये है चंद्रशेखर सीमा जिनका स्टेचू देखिए यहाँ पर बनाया गया है, किस टाइप से बनाया गया है, काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है। चीज़ों को जो है अच्छे से बारीकी से समझकर
और यहाँ पर सारे चीज़ों को जो है बनाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो चीज़ बना हुआ है ये है राशि, जैसे कि यहाँ देखिए तो वृषभ राशि, तुला राशि, तुला राशि हो गया, कन्या राशि हो गया, सिंह राशि हो गया, तो ये जो बना हुआ है राशि अपना देखने के लिए बनाया गया है। कि ये है शौचालय, शौचालय के अंदर चलिए देखते हैं कैसा शौचालय बनाया गया है। तो सबसे पहले आप जब एंट्री लेंगे तो आपको इस तरह से आपको शौचालय देखने को मिल जाएगा, और यहाँ कबर्ड मिल जाएगा जिसमें आप मतलब कि प्राइवेट, और यहाँ पर वॉश करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर देखिए डिटर्जेंट रखा गया है ताकि हाथ भी अच्छे से धो सकते हैं, और यहाँ पर देखिए हाथ सुखाने के लिए दिया गया है जो कि सारा जो है डिजिटल है। उसके बाद यहाँ से बाहर आप निकलेंगे, बाहर निकल के जो है इस तरह से ऑडिटोरियम में घुस जाएंगे, उसके बाद गैलरी ऑफ इस साइड चलते हैं। सौर मंडल की सीमा इधर इस साइड आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ देखिए शनि ग्रह दिया गया है। उसी तरह यहाँ देखिए आपको हर तरह के आपको जो है यहाँ पर पृथ्वी ऊपर में बनाया गया है ताकि अच्छे से मेंटेनेंस किया जा सके। यहाँ पर देखिए घूम केतु और अलका पिंड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, अलका पिंड गिरा था वही वाला अलका पिंड यहाँ पर जो है रखा गया है। उसके बारे में देखिए यहाँ बताया गया मधुबनी में गिरा हुआ महादेव अलका पिंड से एकत्र किए गए नमूने का कुछ कार्य प्रतिबिंब यहाँ पर रखा गया है, जो कि मधुबनी में गिरा था तो वही यहाँ पर रखा गया है। देखिए ये है रामतंत्र, और आपको यहाँ मिल जाएगा जंतर मंतर जो कि दिल्ली में बना हुआ है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सम्राट यंत्र जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है। इसके जस्ट पलग में मिल जाएगा घटिका यंत्र, जो कि आप घटिका यंत्र के बारे में तो आप जानते ही होंगे। साथ ही साथ इस साइड अगर आप देखें तो जल चक्र है, जो कि ये देखिए जल चक्र इस प्रकार बना हुआ है। जस्ट इसके बलग में आपको देखने को मिल जाएगा पीठा यंत्र, जो कि ये देखिए पीठा यंत्र है, ये है असिस्ट यंत्र। इसके जस्ट बलग में आपको मिल जाएगा गोला यंत्र, जो कि गोला यंत्र में देखिए पृथ्वी किस तरह गोला यंत्र में जो है समाया हुआ है। ये है हॉर्सल की विशाल दूरबीन, जो कि देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है, चीज़ों को अच्छा से रखा गया है। यहाँ देखिए एक नीचे में है, जस्ट ऊपर में आप देखें तो यहाँ से जो है दूरबीन में वो दिख रहा है, और नीचे में लोग भी बैठे हुए। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कि दूरबीन जो हुआ करता था किस टाइप से होता था। देखिए विक्रमा लैंड को भी यहाँ पर देखिए बनाया गया है, विक्रमा लैंड कैसे किया था आप देख सकते हैं, विक्रमा लैंड है, और जस्ट इसके बलग में रखा गया है आदित्य L1 का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आदित्य L1 जो कि लॉन्च हुआ था वो है। साथ ही साथ यहाँ पर विक्रमा लैंड भी रखा गया है ताकि लोगों को ये पता लग सके विक्रमा लैंड कैसे किया था, साथ साथ आदित्य लॉन्चर भी कैसे किया था। कि ये है सभागार, तो चलिए हम अंदर एंट्री लेते हैं। सभागार में जो है मीटिंग वीटिंग होता है, जैसे कि कह सकते हैं मीटिंग हॉल, तो ये रहा आपका मीटिंग हॉल, जो कि देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन मीटिंग हॉल है, और आवाज़ भी देखिए तो काफ़ी बेहतरीन है। कि अभी हम आए हुए हैं मीटिंग हॉल में, जो कि इधर देखिए तो काफ़ी सीट और चेयर जो है लगा हुआ है, और मीटिंग हॉल में जो है आवाज़ जरा सा भी इक्कू नहीं आ रहा है भाई, मीटिंग हॉल ज़बरदस्त बनाया गया है। इधर अभी इसमें जो काम चल रहा है और आम जनता के लिए जो है तारामंडल ओपन होगा 10 अप्रैल से, तो पहले ना आए भाई, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देख देख के लोग आ रहे हैं, हम भी बहुत सारे लोग को देखे हैं कि काफ़ी लोग घूर घूर कर जा रहे हैं। तो बता दें कि 10 अप्रैल से ये ओपन हो जाएगा, 10 अप्रैल से आप घूर सकते हैं। देखिए इधर इस साइड आपको जो है देखने को मिल जाएगा लिफ्ट एंड सीढ़ी, तो चलिए देखते हैं लिफ्ट और सीढ़ी का जो माध्यम दोनों दिया गया है, जो लोग लिफ्ट से चाहें तो लिफ्ट से भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो ये लिफ्ट है और सीढ़ी आपको जस्ट सामने दिख जाएगा, इस सीढ़ी के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। CCTV कैमरा आपको जगह जगह पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, कैमरा रहना भी चाहिए ताकि लोगों को सुरक्षा एक मिलता है कैमरा से। तो देखिए अभी हमारे साथ कुणाल भैया हैं, जो अभी ये वीडियो हम शूट किए हैं तारामंडल का। हालांकि तारामंडल में अभी किसी का एंट्री नहीं था, आम लोग के लिए जो है 10 अप्रैल से खुलने वाला था, तो इन्हीं का बदौलत आज हम वीडियो शूट किए हैं कुणाल भैया के साथ। अगर आप आएंगे तो मेन गेट पर कुणाल भैया आपको दिख जाएंगे। तो कुणाल भैया आप ये बताइए कि आम जनता के लिए कब से ये ओपन होने वाला है? अभी तो
नॉर्मल पब्लिक के लिए इसमें अलाउड नहीं है। 10 अप्रैल से नॉर्मल पब्लिक के लिए अलाउड होने वाली है, क्योंकि उस दिन शो की ओपनिंग होगी और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बस आकर उद्घाटन कर गए हैं। 28 फरवरी को बस बिल्डिंग का ही उद्घाटन हुआ था, उसके बाद से हाँ बाकी थोड़ा मैनेजमेंट अभी इनोवेशन का बाकी था, इसी वजह से ओपनिंग शो का नहीं किया गया। तो 10 अप्रैल से है कि पूरी तरीके से परमानेंटली ओपन हो जाएगी ये तारा मंडल, उसके बाद पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। चलिए तो देखिए भैया से, काफ़ी भैया ने हमारे लिए मेहनत किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने मेरे लिए इतना मेहनत किया। हालांकि एक दिन आए थे तो मीटिंग था, तो भैया के भी देखिए कुछ फ़र्ज बनता है, और ये अगर काम करे तो ऊपर भी थोड़ा अलाउ नहीं करता है। अगर मान लीजिए ऊपर से बंद किया हुआ रहेगा, बोलेगा आपको किसी के अंदर एंट्री नहीं देना, तो आप कैसे दे सकते हैं। तो भैया प्रयास किए और मुझे वीडियो बनाने में सहयोग किए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप लोग आइएगा तो मेन गेट पर कुणाल भैया मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर मिलिएगा इनसे, मिलकर काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छे इंसान है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।